नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। समय हो चला है कुछ खास खबरों का। यूपी के कासगंज में कलयुगी पिता अपने चार बच्चों को नहर में फेंक कर फरार हो गया। आसपास से गुजर रहे लोगों ने जब ये घटना देखी तो घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। वहीं फिलहाल तीन बच्चों को सकुशल निकाल दिया गया है। वहीं एक 7 साल की बच्ची अभी भी लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पूरा मामला कासगंज जिले के सहाबर थाना क्षेत्र के खितौली नगर पुल का है, जहां थाना अमापुर में ग्राम शेखपुर के रहने वाले पुष्पेंद्र का पत्नी से कुछ अनबन हुई थी। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच विवाद में पत्नी मायके चली गई। बस इसी बात से नाराज पति पुष्पेंद्र ने अपने चार बच्चों को गांव सहाबर के निकट खतौली नहर में फेंक दिया। काफी देर तक चले राहत कार्य के बाद तीन बच्चों को सही सलामत निकाला गया है। वहीं एक 7 साल की बच्ची अभी भी लापता है, जिसकी तलाश में गोताखोर जुटे हुए हैं। कलयुगी पिता ने अपने गांव शेखपुर से ऑटो में बैठाकर सहाबर खतौली नहर में पुल पर लाया और नहर के पुल पर किसी बहाने से सभी को बैठाकर धक्का दे दिया। अपने ही मासूम बच्चों पर पिता का कलेजा नहीं पसीजा। इस घटना को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने जिस तरह बचाव अभियान शुरू किया उसकी सभी ने तारीफ की। हालांकि एक बच्ची की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस बच्चों के पिता पुष्पेंद्र को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। ये आपके चार बच्चों का जो नहर में फेंकने का मामला सामने आया था, क्या है पूरा मामला? जी आपको कैसे सूचना प्राप्त हुई थी? सूचना हमको आई। क्या नाम है आपका? मैं मतलब सूबेदार। सूबेदार, किसके बच्चे हैं? अब वो किसके पिता हैं आप? मैं लड़की का मतलब कमलेश को। अच्छा अच्छा, क्या मामला था जो आपको कैसे पता चला? ये तो लड़की जात करने आई थी मतलब जी का, और वो जात करने के बाद हमको सूचना आई बच्चे ने घर में डाल दिए। किसने डाल दिए? दामाद ने। क्या नाम है दामाद का? पुष्पेंद्र। कौन से गाँव के हैं वो? शेखपुरा। शेखपुरा। अब बच्चे ठीक हैं? सही सलामत हैं क्या? बच्चे मिल गए, एक लली नहीं मिली है। बेटा बेटी थे? क्या थे? क्या बेटे थे? क्या घर से कोई रंजिश वगैरह थी? कोई ऐसी परेशानी ना है। कभी कभी माइंड पे दिमाग पे कमी आ जाती है पुष्पेंद्र के पे। हाँ मैं आपका, क्या हुआ था, क्यों रो रहे हो आप? क्या बात थी बताओ, आप बताओ। कोई आपके पापा फेंक कर गए थे क्या? क्या लोग थे आप? चार लोग थे। कौन 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 था? एक भाई और तीन बहनें। अब तीन लोग ठीक है, एक बहन का भी पता नहीं है क्या? ना, एक को ना पता। अच्छा, और बाकी तीनों लोग ठीक है? कहाँ है? कौन लेके गया था घर पर? नाना लेके गए हैं। नाना, क्या नाम था नाना का? सूबेदार। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए कासगंज से विवेक रॉय की।